दोस्तों ये तीन वर्कआउट थे चेस्ट के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, पुश पुश एंड फ्लाई। तो देख सकते हैं कि कपड़ा नहीं निकल रहा है। दोस्तों ये हर एक बॉडी बिल्डर की प्रॉब्लम है। दोस्तों ये हर एक बॉडी बिल्डर की प्रॉब्लम है कि हाँ, तो एक पोज तो बनता ही है। हेलो दोस्तों, फिटनेस फाइटर्स में एक बार आपका वापस से स्वागत है। आप लोग ना मोटिवेट नहीं हो पा रहे, तो इस करके मोटिवेशन के लिए देखिए मैं किसको लेके आया हूँ। मेरे दोस्त हैं नितेश अंबानी। अंबानी साहब ये कुछ बोल नहीं सकते, नहीं नहीं ये गूंगे नहीं है, इनकी आवाज़ बैठी हुई है, जरा कुछ बोल के बताइए। नहीं मेरी आवाज़ बैठी हुई है। आवाज़ बैठी हुई है, लेकिन आवाज़ से क्या करना है, बॉडी देख लीजिए। ये मिस्टर महाराष्ट्र दो बार रह चुके हैं, और ये मुझे जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था ये मुझे देखने के लिए आते थे, और वहीं से इन्हें मोटिवेट हुए थे, मतलब मुझे देख के नहीं, और भी बॉडी बिल्डर्स थे। तो दोस्तों आज इन्हें बाकी इनका जो है, मैं जो इन्हें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं नीचे इनका जो है इंस्टाग्राम का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाके चेक करके इनका इन्हें फॉलो करिए। आज का मैं टॉपिक आपको बताना भूल ही गया दोस्तों, तीन चेस्ट के फाड़ू वर्कआउट, उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ तीन वर्कआउट आपको मैं ऐसे बताऊंगा ना ऐसी बॉडी बन जाएगी। लेकिन मेहनत बहुत है दोस्तों, देखिए ये भी हंस रहे, इनको मालूम है कितना उन्होंने घसा हुआ है वो बॉडी बनाने के लिए। सो दोस्तों आपका समय नहीं लेते हुए हम वर्कआउट करते हैं मिस्टर महाराष्ट्र के साथ में नितेश अंबानी, और बताते हैं आपको तीन फाड़ू वर्कआउट चेस्ट के। लेट्स स्टार्ट बॉडी। दोस्तों एक्सरसाइज से पहले वार्मअप बहुत ही ज़रूरी है, मैं हर एक वीडियो में बोलता रहा हूँ वार्मअप आपको बहुत ज़रूरी है करना, ताकि आपको स्पोर्ट्स इंजरी ना होए, आपकी जो मसल्स जो वो खुले, क्योंकि जो बॉडी वार्म रहती है तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बहुत ही इजी एंड स्मूथ एंड सिल्क तरीके से होता है। तो वार्मअप करना ज़रूरी है, वार्मअप कुछ किस भी वे में कर सकते हैं, स्पॉट जॉगिंग, जंपिंग, रनिंग। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेडमिल पे वार्मअप से, दो मिनट हम वार्मअप करेंगे। दोस्तों वार्मअप के साथ आपको जो है फ्री हैंड एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपके शोल्डर्स खुल जाएँ, क्योंकि मैक्सिमम चेस्ट वर्कआउट में शोल्डर इंजरीज बहुत होती है। तो आप देख सकते हैं कि हम शोल्डर वर्कआउट कर रहे हैं, शोल्डर रोटेशन कर रहे हैं, ताकि आपका रोटेटर कफ जो है वो खुले और काफ़ी ईजिली आपका वर्कआउट हो। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पुशअप से। सो दोस्तों जिम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, जैसा देखिए जिम में लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको पीछे बैकग्राउंड में थोड़ी सी म्यूजिक धाक-धिक ये ट्रेडमिल की आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो दोस्तों तीन वर्कआउट में सबसे पहला वर्कआउट है वो है इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, जो आपके अपर चेस्ट को डेवलप करने के लिए रहता है। तो हम स्टार्ट करेंगे इंक्लाइन चेस्ट प्रेस से, लाइट टू हैवी आपको मारना है। तो इनका जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इन्हें जो है हम डायरेक्ट 60 से चालू कराएंगे, क्योंकि 40 का वार्म अप हो चुका है इस करके। इंक्लाइन चेस्ट प्रेस ये है 60 LBS, ये केजीज नहीं है, सर को नीचे रखना है, 2 3 4। तो दोस्तों इसके आपको तीन सेट लगाने हैं, तीन सेट, एक वार्मअप सेट तो इन्होंने 40 से कर लिया है, क्योंकि स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। आप दोस्त देख सकते हो उनके आर्म्स देखिए कैसे जगमगा रहे हैं, इतने बड़े बड़े, मतलब मेरे थाइस जितने इनके आर्म्स लग रहे। तो ये था इनका ये फर्स्ट सेट था, अभी हम चलेंगे सेकेंड सेट जो है 70 LBS। अभी हम वहाँ पर चलेंगे। देखिए अगर आपको मसल मास गेन करना है तो आपको वर्कआउट के बीच में एटलीस्ट 30 सेकंड्स का रेस्ट तो चाहिए, आप कंटिन्यूस नहीं मार सकते। ये दूसरा सेट जो है 70 LBS से, तो ये रहा 70 LBS। दोस्तों जो शो आती है वो चेस्ट की आती है, जब आप टी शर्ट पहनते हो तो चेस्ट डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हम जाएंगे 80 पे, और मैं इनको सजेस्ट करूँगा 10 से 12 काउंट ही लेना, क्योंकि अगर 15 मारोगे तो वेयर एंड टेयर में मसल भी, मतलब ज़्यादा पुश करोगे तो मसल टेयर भी हो सकता है। तो दोस्तों चलते हैं थर्ड सेट की तरफ, जो 80 pounds का राउंड अबाउट, जिसे 36 kgs बोलते हैं। तो थर्ड सेट, और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आपको डंबल उठाना कैसे, सबसे पहले आपको लेग्स के यहाँ पर रखना है, फिर एक पैर से पुश करना है, या दोनों आप पुश करके आपको बैलेंस करना है। ये देख सकते हैं आप, 1 काउंट करेंगे यहाँ पर, 2 3
5, 6, 7 कम ऑन पुश इट पुश इट 8 अगर एक्स्ट्रा रेप्स पुश करना है पुश करो तो हेल्प दे सकते हैं लास्ट वन पुश पुश ओके सो दोस्तों आप ये तीन सेट में इनका पंप अप देख सकते हो ये देखिए लास्ट में दिखाएंगे आपको बराबर पूरा खोल के तब तक के लिए बने रहिए वीडियो छोड़ के जाना मत और स्किप मत करना लाइक दबाइए इंस्टा पे इन्हें फॉलो करिए हमें भी फॉलो करिए चलते हैं दूसरे वर्कआउट पे चलते हैं दूसरे वर्कआउट पे और वो है हमारा डिक्लाइन बेंच प्रेस डंबल प्रेस ले लिया अभी हम बारबेल प्रेस लेंगे आइए तो हम डायरेक्ट डिक्लाइन पे जाएंगे तीन सेट मारेंगे थ्री सेट्स और दोस्तों आपकी कैपेसिटी अगर आप चार सेट मारना चाहिए तो चार सेट भी मार सकते हैं वैसे तो ये सजेस्ट करते हैं कि तीन से चार सेट रखेंगे तो आज हम चलेंगे जो इनका जो कैपेसिटी है वो है सिंगल प्लेट जो है 45 LBS का स्टैंडर्ड वेट है जो राउंड अबाउट 21.4 kg का है डिक्लाइन लोअर चेस्ट इंक्लाइन अपर चेस्ट तो जिसमें क्या होगा आपका चेस्ट पूरा ओवरऑल कवर हो जाएगा दोनों प्रेसिंग मूवमेंट है चेस्ट प्रेस बारबेल प्रेस ओके लेट्स स्टार्ट नीचे सिर्फ 10 ही मारना उससे ज्यादा मत मारना एक्स्ट्रा मत पुश करना ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो दोस्तों चलते हैं हम सेकेंड सेट में हमने इसे डबल नहीं किया हुआ है ये 21 किलो का था तो हमने इसमें 11 किलो और ऐड कर लिया ताकि फॉर्म एंड टेक्निक राइट होए पुश कम ऑन गो 10 अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ओके दोस्तों पता है क्या है कि आप जिम में कहाँ पर गलत करते हो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आप जिम में जाते हो पहला सेट ही 20-25 रिपीटेशन मार लेते हो तो सेकेंड और थर्ड सेट आपका बराबर होता ही नहीं है तो मेक श्योर जो लाइट वेट जो रहता है उसमें आप एनर्जी वेस्ट मत करिए आपको ताकत चाहिए हैवी वेट के लिए तो उसके लिए आप बचा के रखिए इस करके मैंने फर्स्ट सेट जो है ना वो 15 नहीं कराया मैंने सेकेंड सेट भी 10 कराया फर्स्ट सेट भी 10 कराया अभी इसमें 25 डालेंगे कि 10 का डालूँ मैं 45 आप 25 ही ना तो इसको अभी वापस हम डबल कर देंगे इसमें 25 का और डालेंगे और वो रैप मुझे लगता है 10 तो नहीं जाएंगे लेकिन 6 से 8 तो जाएंगे जाएंगे जो है रैप की कैपेसिटी है कि उतने तो होने ही चाहिए अगर आपको मास गेन करना है 6 रैप 7 रैप 8 रैप ऐसे जो आपका थर्ड सेट रहना चाहिए सो दोस्तों अभी हम ले रहे हैं थर्ड सेट हमने वेट डबल कर दिया है 21.5 किलो और बार के साथ में ये राउंड अबाउट 20, 40, 60, 80, 105 किलो है पूरा बार के साथ एंड वेट के साथ बार के साथ एंड वेट के साथ और दोस्तों इसका हम रेप्स करेंगे दो तो 10-10 कर लिए 6 से 8 रेप करेंगे मैक्सिमम करेंगे और फुल क्यों कैमरा क्यों घुमा रहे तू क्यों कैमरा घुमा रहे रेडी 1, 2 अप कम ऑन शाबाश पुश दोस्तों इसके बाद में बहुत ही अच्छा मैं आपको वीडियो एक वर्कआउट बताने वाला हूँ कहीं पर जाइएगा नहीं तो देख सकते हैं दोस्तों आप इनके मसल्स देख सकते हैं ट्राइसेप्स कितने बड़े हैं एक्चुअली सब कुछ बड़ा है ट्राइसेप नहीं चेस्ट ट्राइसेप तो साथ में वर्क होते हैं ना सो दोस्तों एक पोज तो बनता ही है देखिए दोस्तों हर एक बॉडी बिल्डर का मुंह ऐसे ही हो जाता है पोज मारते समय क्योंकि जो ताकत जो निकलती है वो निकल जाती है तो दोस्तों तीसरा वर्कआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और इंस्टाग्राम पे हमें भी फॉलो करिएगा इन्हें भी फॉलो करिएगा नहीं तो आपको मालूम है वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा सो दोस्तों ये है केबल क्रॉसओवर दो प्रेस हमने कर लिया फ्लाई मूवमेंट बहुत ज़रूरी है चेस्ट को एक्सपांड करने के लिए उसे स्ट्रेच करने के लिए तो चलते हैं दोस्तों केबल फ्लाई के ऊपर वेट ज़्यादा हैवी नहीं ले सकते तो हाथ को खोल ले हाँ तो ये चीज़ आप पैक फ्लाई पे भी मार सकते हो हम तो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं चेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हो आप कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन तो ये था दोस्तों हमारा फर्स्ट सेट बहुत इजी गया मेरे हिसाब से सर 20 काउंट्स लिए सेकंड सेट हम बढ़ा देंगे दो वेट हम बढ़ा देंगे वेट बढ़ाते हुए मारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मसल पंप होंगे वेयर एंड टेयर ज़्यादा होएगा डाइट तो इनकी अच्छी है नो डाउट इनकी डाइट भी दोस्तों मैंने बनाई थी आज से 1 साल पहले
तो उसके बाद ये फॉलो करते हो चले गए, सही बोला कि नहीं? हंस रहे। देखो डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक्सरसाइज तो आप कर लोगे लेकिन अगर प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करोगे तो रिजल्ट सब पे जीरो। डाइट वाला वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देखिए और जाके देखिए, कस्टमाइज डाइट प्लान भी बनाया। चलते हैं दूसरे सेट की तरफ। एक मिनट, बराबर है ना? गो स्क्वीज। दोस्तों फ्लाई मूवमेंट बहुत ही जरूरी है जैसे मैंने बताया, क्योंकि फ्लाई मूवमेंट में प्रेसिंग के बाद फ्लाई मूवमेंट बहुत ही जरूरी है चेस्ट को एक्सपांड करने के लिए, जबर मसल्स कंप्लीटली स्ट्रेच। और हमारे एडिटर साहब कैमरा लेके यहाँ वहां पर घूम रहे, इधर उधर बैठ रहे हैं। सो ये जो वेट जो इन्होंने कवर किया, ये हमारा थर्ड एंड फाइनल सेट का है। दोस्तों एक बॉडी बिल्डर, लोग बोलते हैं कि 8-8 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, हमने दोस्तों 1 घंटा भी वर्कआउट नहीं किया है, बंदा पूरा एग्जॉस्ट हो गया है। एग्जॉस्ट हो गए कि नहीं? क्या किया है? एक वार्म सेट लिया, पुशअप्स लिया, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11 सेट है। वर्कआउट की क्वालिटी लाना बहुत ज़रूरी है। आप कैसा वर्कआउट करते हो, आप वर्कआउट कर रहे हो बात कर रहे हो को मतलब नहीं है। वर्कआउट करो, अच्छा वर्कआउट करो, आपके मसल्स का वेरेंट है इतना होना चाहिए, प्रॉपर वेट्स मारना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों फाइनल सेट, मैक्सिमम रेपिटेशन, लेट्स डू इट। दोस्तों क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है, 8 रेप, थोड़ा रेस्ट मिल गया है इसमें। 1, 2, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप हर एक सेट में एंड में आप राउंड अबाउट 1 से 1.5 मिनट का भी आप रेस्ट ले सकते हो ताकि मसल्स की रिकवरी होए और आप अगले सेट के लिए रेडी हो। तो 10 रेप्स। सो दोस्तों मैं इनसे पूछना चाहूँगा, पंप और कुछ करने की चाहत? एक बॉडी बिल्डर ने 1 घंटा वर्कआउट किया जो कॉम्पिटिशन लेवल पर खेल रहे हैं। क्वालिटी वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 3-3, 4-4 घंटा वर्कआउट नहीं होता, टाइम पास ही होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद बॉडी का ग्लूकोज भी ख़त्म हो जाता है, आपका प्री वर्कआउट जो लेके आते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है, बॉडी चले जाती है कौन से जोन में? डेथ जोन ये बोलते हैं, ब्रेकडाउन, मसल ब्रेकडाउन जोन में। तो वहाँ तक आपकी बॉडी ना जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो इन्हें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, नीतेश अंबानी करके इनका नाम है, सॉरी नीतेश अंबानी इनका नाम है, और इनका जो है मैं वो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ इनका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल, तो आप इन्हें जाके फॉलो करिए बेझिझक, और फिटनेस राइटर को तो आप फॉलो कर ही रहे हो। दोस्तों ये 3 वर्कआउट्स हैं चेस्ट के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुश पुश एंड फ्लाई। तो देख सकते हैं कि कपड़ा नहीं निकल रहा है। दोस्तों ये हर एक बॉडी बिल्डर की प्रॉब्लम है। दोस्तों ये यार एक बॉडी बिल्डर की प्रॉब्लम है कि हाँ, तो एक पोज तो बनता ही है। तो दोस्तों मैं नहीं मारूंगा, मैं बाजू में उठ जाता हूँ, मैं ज़्यादा पतला लग रहा हूँ इनके सामने। और दोस्तों ये अभी ऑफ में चल रही है, ऑन में नहीं है। तो दोस्तों आप इनकी बॉडी पे कमेंट करिए, रेटिंग 10 में से आप कितना दोगे नीचे कमेंट बॉक्स में अभी करना चालू करिए।